नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुलेन, स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग पर। और अभी मैं हूं चापा के पास अपने घर के आसपास, और ये खूबसूरत जगह को मैं देख रहा हूं। आप देख सकते हैं ऊपर के ये नीला आसमान, और ये पास में जो नदी है हंसदेव नदी है ये अपनी जो चापा की जीवनदायिनी नदी है। आप ये देख सकते हैं आज का ये मौसम है, और बहुत शानदार मौसम है दोस्तों। आप देख सकते हैं नदी इधर आएंगे तो साइड में आप देख सकते हैं ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट है 1000 मेगावाट का, जो यहाँ से दिख रहा है। और उसके साथ ही देख सकते हैं ये जगह को, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी और एकदम वीरान सी जगह है जो हमारे नज़दीक में है। और हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह की एक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं जो सामने नदी दिख रही है वो हंसदेव नदी है, और ये हंसदेव नदी के पास ही है यह जगह। इसके आसपास कुदरी डैम भी है दोस्तों, तो हम अभी डैम के पास नहीं पहुंचे हैं। आप इस जगह को हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं ये कितनी शानदार जगह है, बहुत खूबसूरत सी यहाँ पे नर्सरी बनी हुई है। और आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारे नाले भी आके मिल रहे हैं हंसदेव नदी में। पीछे आप देख सकते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट है ये आप देख सकते हैं, और ये इसके बाद आप देखेंगे इस जगह को खूबसूरती। इस खतरनाक और वीरान जगह को कुछ इस तरह का है, ये बिल्कुल खतरनाक है, एकदम सूना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ, ये देख सकते हैं इस खूबसूरत को। और आप यहाँ भी देखेंगे किस तरह से बच्चे अपना फ़ोटो शूट करा रहे हैं, बहुत ही शानदार ये फ़ोटो आने वाला है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जगह कितना खूबसूरत, बिल्कुल मेरे सामने पे ही ये खूबसूरती आप। और यहाँ देख सकते हैं ये हमारे जो गाय हैं किस तरह से इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं। और ऊपर आप आसमान देखेंगे दोस्तों, ये तो आज आपको पूरा पागल ही बना देगा। हम हैं अभी कुदरी बराज के ऊपर पे, और अभी देख सकते हैं पानी तो कम है बराज पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जो गेट खुला हुआ है उस गेट का आप देख सकते हैं प्रवाह को। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं इतना तेज़ प्रवाह है जिस पर मछली पकड़ने वाले ये जाल लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों ये खूबसूरत, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।